अयोध्या में बहुत सीमित लोगों को एंट्री है, आपको इनवाइट किया है क्या, आपको इनविटेशन मिला है कि नहीं? देखिए, राम जी के नगरी में जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है, श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा, बस दिल में आस्था हो, जुबान पे राम नाम हो, बस निकल जाओ। आप भोपाल में थी तो शिवराज सिंह चौहान से भी आपकी मुलाकात हुई और शिवराज सिंह चौहान ने भी आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। क्या उनसे बातचीत हुई, क्या उनके द्वारा कहा गया? वो तो सबसे पहले तो बहुत खुश हो गए। मुझे लगा कि मैं मिलने जा रही हूँ, इतने बड़े सर है, जाहिर सी बात है पूरे मध्य प्रदेश का लोड है उनके सर पे, वो मामा है, तो हमको लगा 5 मिनट मुश्किल से हमें मिलेगा, लेकिन मैं गलत थी। वो बेटियों के लिए इतना ज्यादा आगे आते हैं कि वो हमारे साथ उन्होंने चाय पिया, लगभग आधे घंटे का समय हमारे साथ बिताया उन्होंने, और इतना प्यार दिया, इतना ब्लेसिंग्स दी कि उन्होंने बोला कि आपको पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी असुविधा नहीं मिलेगी, ऐसे बोला। और उन्होंने हमें भोपाल में रहने की सुविधा भी दी, एकदम आलीशान होटल में हम रहे, और खाना भी बड़ा बढ़िया था। जाहिर सी बात है, होटल अच्छा होगा तो खाना भी बहुत अच्छा था। लेकिन शबनम देखिए, ये जमाना जो है सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लोग ये भी कहते होंगे या ये सवाल उठाते होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो है सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरीके से कदम उठा रहे हैं। हमने देखा इंस्टाग्राम पर बहुत लोग आपको फॉलो करने लग गए हैं। देखिए, लोगों को ऐसा ही लगता है, देखिए बचपन से हम राम भक्त हैं, बचपन से हम राम जी को ही नहीं बल्कि सारे भगवानों को पूछते हैं। अब बचपन से ही हाथ में तो मोबाइल थमा नहीं देंगे ना पेरेंट्स, पढ़ाई लिखाई भी की है, तो उस टाइम पे ऐसा था कि सोशल मीडिया पे वो दिखाते नहीं थे, वो चीजें डालते नहीं थे। अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपना अपनी जो भावना है वो पेश करता रहता है सोशल मीडिया के जरिए। तो मैंने भी भाई सोशल मीडिया पे डाल दिया वीडियो, मैं तो अपने वीडियो में बोलती नहीं आप मुझे फॉलो करो, और ना ही मेरे बैग के बैनर के पीछे लिखा हुआ है, मेरी आईडी नहीं लिखी है, ना मैंने स्कैनर दिया, कुछ नहीं, बस फिर राम भरोसे निकल पड़ी थी सर। राम भरोसे निकल पड़ी थी, बहुत अच्छी बात है। और दो सहयोगी भी आपके साथ हैं और पूरा सहयोग